सत श्री अकाल फ्रेंड्स, आज मैं आलू की बहुत ही यूनिक सी दो रेसिपीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इनको एक बार घर पर ज़रूर बनाना। वैसे तो ये हर सीजन में अच्छी लगती हैं, लेकिन आजकल मॉनसून में इसे बनाएंगे ना तो ये और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। पहली रेसिपी बनाने के लिए आपने लेने हैं आलू, तो आलू कच्चे लेने हैं और थोड़े बड़े साइज़ के लेना, जिससे बनाने में आसानी रहेगी। अब इसको छील कर पानी में डालेंगे जिससे कि ये काले ना हो। अब इसको हमने कट करना है, तो पहले हम इस तरह से देखें साइड से कट करेंगे थोड़ा पार्ट, और इस तरह से चारों साइड से कट करेंगे। अब आलू को खड़ा करके इस तरह से इसके पीसेस करेंगे। तो देखिए आप, इतने मोटे मैंने किए हैं, इससे पतले नहीं करने हैं। जैसे हम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं ना, उस तरह से इनको अब कट करेंगे। अब इसके हम क्यूब कट करेंगे बाइट साइज़ के, बहुत बड़े साइज़ के नहीं कर रहे हैं, इस तरह के क्यूब कट कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों आलूओं को कट करके तैयार कर लेंगे और इनको वॉश कर देंगे। अब एक पैन में मैंने पानी गर्म होने रखा है, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। जब पानी ल्यूकवार्म होगा तो इसमें आलू डाल देंगे। आलू को हमने 50% तक गलाना है, पार बॉईल करना है, पूरा नहीं गलाना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको गलने में, 2 मिनट के करीब ही लगेंगे। गैस की फ्लेम को फुल रखना है, तो इसको इस तरह से चेक करेंगे। देखें, नाइफ से चेक कर रहे हैं तो ये कट तो रहा है, पर ये हार्ड है, काटने में इसको थोड़ा सा हमें जोर लगाना पड़ रहा है ना, बस ऐसा ही होना चाहिए। गैस को बंद करके इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। इसका पानी हटा कर ना इसको हम एक बड़े बॉल में शिफ्ट करेंगे, और अभी ये गर्म है ना, तो गर्म गर्म में इसमें हम मसाले लगाएंगे, क्योंकि ये गर्म है और गीले हैं तो इसमें मसाले अभी चिपक जाएंगे अच्छी तरह से। तो सबसे पहले तो इसमें नमक डालेंगे, नमक बॉईल करते हुए भी डाला है तो हिसाब से डालना है। और 1 चम्मच में डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर, अगर ये ना हो तो आप फ्रेश गार्लिक को छोटा छोटा सा काट कर डाल सकते हो। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 चम्मच ही डालना है ओरिगैनो। ये मेरे पास ओरिगैनो सीजनिंग है, मैं वो डाल रही हूँ, आप प्लेन वाला भी डाल सकते हो। हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा। अब इसमें डालना है चावल का आटा 1 चम्मच भर कर, अगर कम लगेगा ना तो और भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच ही भर कर मैं मैदा डाल रही हूँ। दोनों में से अगर आपके पास कोई एक चीज़ है तो एक चीज़ भी डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है दोनों डालना। तो ये इसको मैंने मिक्स किया है तो कम लग रहा था, तो मैं 1 चम्मच मैदा और डाल रही हूँ इसके ऊपर। ये जो मसालों की और मैदे चावल के आटे की कोटिंग है ना, जो बहुत हल्की आनी चाहिए, मोटी मोटी सी कोटिंग नहीं करनी है। ये देखिए आप, ऐसा लगे जैसे बस हल्का सा पाउडर सा इसके ऊपर लगा ना, ऐसी कोटिंग करनी है। तो इससे ज़्यादा मैदा और चावल का आटा नहीं डालेंगे इसमें। अब ये तैयार हो गया है तो इसको करेंगे फ्राई। इसको फ्राई करने के लिए ऑयल गर्म करने मैंने रखा हुआ है, ऑयल को हमने अच्छा गर्म करना है। इसमें डालेंगे अब इसको, तो आलू इसमें हम एक साथ भी डाल देंगे ना तो ये चिपकेंगे नहीं, आराम से ये इसको आप डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है एक एक पीस करके डालें। तो ये देखिए मैंने डाल दिए हैं, और हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये बहुत छोटे छोटे पीसेज हैं, फटाफट से फ्राई हो जाएंगे। तो देखा आपने इस नाश्ते को बनाना कितना आसान है, जो हमारे पास घर में सामान होता है ना उसी से ये बन जाता है। और जब भी बच्चे जिद करें या बारिश आ रही है, खाने का कुछ करारा चटपटा सा मन है ना, तो आप 5-7 मिनट में इसे बना सकते हो। और मार्केट के स्नैक्स से तो ये बहुत ज़्यादा बेटर होता है, घर में बना हुआ स्नैक्स। तो अब ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया है, ये फ्राई हो चुके हैं, तो इनको निकाल लेंगे। ये सारे पीस फ्राई हो गए हैं, इसको मैंने सर्व किया है टोमेटो सॉस और हरी चटनी के साथ। तो देखिए आप कितना क्रिस्पी, कितना टेस्टी सा नाश्ता ईजिली घर पर बन गया है। अब ये जो मैं दूसरी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये चाट की रेसिपी है, बिल्कुल यूनिक चाट है, आपने इसे कभी नहीं खाया होगा, क्योंकि ये मार्केट में भी नहीं मिलती है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाना। तो इसको बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है ना, वो इस तरह से हैं। ये देखिए मैंने ली है धनिया पुदीने की हरी चटनी, साथ में मैंने ली है मीठी चटनी। तो ये जो मीठी चटनी है ना, बिना इमली और गुड़ की है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, इसका लिंक मैं दे दूँगी वीडियो के एंड में। साथ में थोड़े से प्याज काट कर लिए हैं और काले चनों को बॉईल करके लिया है, हरी मिर्च थोड़ी सी ली है, और ये मैंने सूखा मसाला मिक्स करके लिया है। इसमें है रेड चिली, भुना पिसा जीरा पाउडर, काला नमक और चाट मसाला, सारी चीज़ें मिक्स करके लिए हैं। और लेने हैं साथ में आलू, तो ये मैंने उबले आलू लिए हुए हैं, तो इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी।
आलू आपने बॉईल करके लेने हैं, पर ठंडे होने पर। गर्म आलू का यूज़ नहीं करना, गर्म आलू से ये नहीं हो पाएगा। जब आलू काटेंगे तो वो टूटते जाएंगे। तो आलू को मैंने ठंडा होने के बाद ना फ्रिज में रख दिया था 10 मिनट के लिए। अब इसको बीच से हमने कट करना है, एक आलू के दो पीस करने हैं। अब इस तरह से इसे कट करना है, देखें इस तरह से करेंगे और बाहर की लेयर रहे, अंदर का जो आलू है ना उसको निकालना है। चाहे तो आप इसको स्पून से भी कट सकते हैं। देखिए केयरफुली करेंगे, आराम आराम से हो जाता है। ये देखिए हो रहा है ना, इस तरह से सेंटर का आलू का पार्ट हमने निकाल देना है। इस तरह से हमने देखे सारे आलुओं को करना है। और ये जो सेंटर का पार्ट निकला है ये भी वेस्ट नहीं है, इसको आप आलू की सब्जी बनाने में, पराठे बनाने में किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे चैनल की रेसिपीज पसंद आती हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो देखिए सारे आलुओं को मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। एक पीस ले रही हूँ मैं, इसके अंदर सबसे पहले मसाला डालेंगे, जितना खाना पसंद हो। काले चने डाल लेंगे, प्याज, और इसके बाद हरी चटनी और लाल चटनी, चटनियाँ जो आपको ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा कम कर सकते हो। ऊपर से हरी मिर्च और मसाले, जैसे भी आपको बनाना पसंद हो ना उस तरह से इसको बनाएंगे। ये चाट है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरह से देखिए मैंने दूसरा पीस भी तैयार कर रही हूँ, मसाला, काले चने, प्याज, हरी मिर्च, चटनियाँ सब डालते जाएंगे जैसा आपको खाना पसंद हो। बच्चों के लिए बनाएं तो आप इसमें हरी मिर्च ना डालें, कम मिर्च मसाले डाल लें। तो ये देखिए मैंने इसको बना लिया है, और स्ट्रीट स्टाइल है इसलिए मैंने इसको डोने में सर्व किया है। ये देखिए देखते ही कितनी अच्छी लग रही है, सर्व की हुई भी बहुत अच्छी लगती है चाट, खाने में भी बहुत टेस्टी है। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? दोनों में से आपको कौन सी वाली रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।